मुझे सपोर्ट किया करती हैं आप। ठीक है, आपकी तसल्ली के लिए मंदिर में भी देख लेते हैं। अगर माहिरा मंदिर में ना हुई तो फिर जो मैं कहूंगी वही होगा। यहाँ कृतिका जी, मंदिर में जाओ, देखो अगर माहिरा वहां है तो उसे घर ले आओ। जी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, कहीं सच में उसे मेरी बेटी के साथ कुछ कर दिया ना तो। रमोना, टेंशन मत ले, सब ठीक ही होगा। बात करने का मौका दिया है, सर पे खड़े रहकर नाचने को नहीं कहा है। दी, ऐसी नेगेटिव एनर्जी हमें अपने घर पे नहीं चाहिए। सुनो, तुम निकलो। नहीं मतलब तुम्हें थोड़ा बात करने का मौका क्या दे दिया, तुम तो सर पे चढ़ के तांडव कर रही हो। चल निकल। सृष्टि, तू रहने दे, ये मैं हैंडल कर लूंगी, तू अंदर जा। क्या मायरा कुछ बताने आई है ना, उसे बताने दो। मैं क्यों अंदर जाऊं? इसके मुंह लगने की ऐसी लड़की को हैंडल करना जानती हूँ मैं, हैंडल करती हूँ। आप अंदर जाओ। मैं अंदर जाओ, तेरी बड़ी बहन हूँ, मैं कह रही हूँ कि तू अंदर जा। बात सुनेगी कि नहीं? फाइन, कर लो बात आपस में। बोलो, क्यों आई हो यहाँ, क्या बताना है तुम्हें? हाँ, मैं कुछ तो बात करने आई थी। ओ हाँ, याद आया, मैं ना आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। जब से सुबह से उठी हूँ ना, मैं इतनी खुश हूँ, खुशी की मैं पागल होती जा रही हूँ। और जैसे 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 टाइम बीत रहा है ना, मेरी खुशी तो आई कांट टेल यू, आई जस्ट कांट एक्सप्रेस। मैंने सोचा कि मैं अपनी खुशी कैसे सेलिब्रेट करूं, किसके साथ बांटूं ये खुशी। फिर मेरे दिमाग में आया कि मुझे अपनी खुशी उस इंसान के साथ सेलिब्रेट करनी चाहिए जिसकी लाइफ में ऑलरेडी खुशी थोड़ी कम है। यू नो, लूथरा फैमिली में ना सब इतने ज्यादा खुश हैं, तो मैंने सोचा तुम्हारे पास आ जाती हूँ, और तुम्हें थैंक्स भी तो बोलना था ना। और मैं ऐसे घटिया इंसान को मुंह भी नहीं लगाती। तो खैर, अब तुम अपने ही शादी के फंक्शन से उठकर यहां पर कुछ बताने आई हो तो बताओ, क्या बताना है जल्दी बताओ और जाओ यहां से। रीता, इतनी डेस्परेट हो रही हो तुम? महेश अंकल को ऐसे सीढ़ियों से धक्का नहीं देना। ओ शट अप, तुम अच्छे से जानती हो कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, फिर भी सबके सामने तुमने वो इल्जाम मुझ पर लगा दिया। तुम जानती हो मायरा कि महेश अंकल को धक्का मैंने नहीं दिया, तो तुमने ऐसा क्यों किया? बहुत अच्छे से जानती हूँ, ऐसे ही रो रो के ही लूथरा फैमिली में अपनी जगह बनाई है ना, ऐसे ही रो रो के करण के दिल में जगह बनाई है ना, बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें ना ये रोने की ट्रेनिंग देनी चाहिए। किसी को अगर रोना सीखना है तो वो सीधा प्रीता अरोरा के पास जाए। अगर किसी को ये सीखना है कि रो रो के किसी के घर में कैसे घुसते हैं, किसी के दिल में कैसे घुसते हैं, तो ट्रेनिंग बाय प्रीता अरोरा। खैर छोड़ो, हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, तुम ये जानना चाहती थी ना कि मैंने घर वालों के सामने ये क्यों कहा कि महेश अंकल को तुमने सीढ़ियों से धक्का दिया है। महेश अंकल को धक्का दिया है प्रीता, तुम्हारी वजह से मुझे इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ गया सबको। मुझे समझ में नहीं आता मायरा कि तुम कितनी डेस्परेट हो करण को पाने के लिए, और क्या क्या करोगी, किस हद तक गिरोगी तुम। क्या तुमने इन सब के बीच में ये नोटिस किया कि करण को पाने के लिए तुम्हें मुझ पर इल्जाम लगाना पड़ता है? मतलब तुम्हें मेरे कंधे की जरूरत है, मेरे सहारे की जरूरत है, करण को पाने के लिए भी। अगर तुम वाकई करण से प्यार करती हो, उससे मोहब्बत करती हो, तो खुद कुछ क्यों नहीं करती? खुद के बलबूते पर उससे शादी करके दिखाओ ना। आ गई ना शादी की बात मुंह पे? कर करके पिटी फिगर बन के खुद को चुनवाया है,
मजबूर करा उसको कि वो तुमसे शादी कर ले। Whatever. मुझे जो अच्छा लगता है ना मैं वो हासिल करती हूँ, बाय हुक और बाय क्रूक। इतना तो मुझे पहले से ही पता था कि तुम बहुत ही घटिया लड़की हो, लेकिन इतनी गिरी हुई हो कि करण को पाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाओगी, ये मैंने नहीं सोचा था। तो आप सोच लो तुम्हें किसने रोका है। आई मीन जो रोक सकते थे वो तो कुमा में है ना। नमस्ते। मत करो ये अच्छाई काटो। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की इस अच्छाई के ढूंढने मेरी बेटी आ जाती है हमेशा। क्यों करते हो इतनी अच्छाई का ढूंढ, क्या जरूरत है? मत करो। चलिए बीच जानके। सर आंटी जी मेरे पास। तुम तो पागल हो जाओगे। अब मैं इतनी दूर आ ही गई हूँ तो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। सुनो क्या हुआ। जब मैं भाग के हॉल में आई ना तो मैंने देखा कि महेश अंकल की जो वो व्हीलचेयर है ना वो वहाँ सीढ़ियों पे अटकी हुई थी और महेश अंकल उसको पकड़ के वहाँ पर ऐसे अटके हुए थे। मैं भाग के उनके पास गई, वो बेचारे मुझे देख के ना थोड़ा सा खुश हो गए, उनको थोड़ी सी होप आ गई कि मैं उनको बचाऊंगी। प्रीता वो मुझे ना वो मुझे ऐसे किसी भी तरह मैनेज करके बोल रहे थे हेल्प हेल्प मुझे बचाओ, और मैंने ना उनका हाथ ऐसे व्हीलचेयर से निकाला और उनको जोर से धक्का दे दिया। वो बेचारे तो जानते भी नहीं थे कि मैं उनके आंखें ना तुम्हें नहीं बताया कि मैं कैसी हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या प्लान कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें तो सब अपने आप ही पता चल जाएगा। पर आज देखो ना, आज मैंने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी। और एक बात बहुत अच्छे से कान खोल कर सुन लो, करण और मेरे बीच में जो भी आएगा ना मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगी, उसकी जान भी ले सकती हूँ। और इतना तो तुम अच्छे से समझती ही हो ना कि अगर इन दोनों में से एक भी चीज चली गई ना वो कभी वापस नहीं आती है। इस समय उस परिवार की सबसे बड़ी दुश्मन तुम दोनों हो। तुम्हें पता है इस समय तुम दोनों की किस्मत इतनी खराब है। चुप करो, अपने इस घटिया मुंह से किस्मत की बात तो तुम मत करो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है? एक घर में दो दो चेहरे लेकर बैठी हो तुम, इसे किस्मत नहीं कहते? अपनों की पीठ पर चुरा खोप रही हो, इसे किस्मत नहीं कहते? धोखाधड़ी कर कर करण से शादी करने की कोशिश कर रहे हो, इसे किस्मत नहीं कहते? अरे शादी से याद आया, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं तुम दोनों को बताना ही भूल गई। आज ना मेरी करण से शादी है। और प्रीता तुम ऐसे काम करती हो ना कि सबका शक डायरेक्टली तुम्हारे ऊपर जाएगा। सोचेंगे कि करण और माहिरा की शादी से प्रीता इतनी जल गई कि माहिरा का किडनैप कर लिया। पुलिस को बुलाएंगे और पुलिस को सीधा यहां भेज देंगे, फिर तुम्हारे इस इज्जतदार घर की तलाशी होगी। क्या मुझे हर समय गिरी हुई लड़की बोलती रहती हो? मैंने महेश अंकल को ऐसा गिराया कि सबकी नजरों में तुम गिर गई। अबे चुप, तेरा तो मैं मुंह ही तोड़ दूंगी, बोलने लायक रखूंगी नहीं मैं तुझे। तुम दोनों को अपनी शादी का इनविटेशन भी नहीं दे सकती, बट नेवर माइंड, मैं अपनी फोटोज और वीडियोज ना तुम दोनों के साथ जरूर शेयर करूंगी, ठीक है? आज बहुत बड़ी शादी है ना, तुम्हारे पति की शादी। चाहती हूँ मैं ऑल द बेस्ट टू मी एंड गुड बाय, दोबारा कभी भी नहीं मिलूंगी। इसको तो चप्पल मारने का मन कर रहा है मेरा। मामा मैंने पूरा मंदिर चेक कर, एक्चुअली वो चाहती है कि करण और माहिरा की शादी ना हो। नहीं
वो चाहती है कि करण की शादी किसी के साथ भी ना हो, क्योंकि वो तो ये समझ बैठी है ना कि वो करण की पत्नी है, इस घर की बहू है, इस प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए उसे। पैसों के लिए वो लड़की इस हद तक गिर सकती है? एक्चुअली ना ये सब कुछ वो सिर्फ पैसों के लिए कर रही है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, हमने कल डिसाइड किया था लव शहर भरा है, बुआ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, प्रीता नहीं चाहती कि करण और माहिरा की शादी हो, माहिरा घर पर भी नहीं है, मंदिर में भी नहीं है, कहां गई होगी? प्रीता ने जो भी किया है ना बहुत स्मार्टली किया है, क्योंकि अगर करण और माहिरा की शादी होगी तो प्रीता इस घर में कभी नहीं आ पाएगी। उसने माहिरा के साथ कुछ गलत भी कर दिया जिसकी वजह से उन दोनों की शादी भी ना हो और उसका नाम भी ना आए। इसीलिए अपनी होने वाली बीवी पर प्रीता का गुस्सा निकाल रहा है बेचारी माहिरा। अभी यहाँ हर कोई प्रीता के खिलाफ है, सबको यही लग रहा है कि प्रीता गलत है, इन सबकी दुश्मन है। क्यों ना मैं इस मौके का फायदा उठा लूं, कोई जाके प्रीता से थोड़ी पूछने वाला है उसने कुछ किया है या नहीं। माहिरा तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, बताओ क्या हुआ, कहाँ गई थी तुम? मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती। इसमें परेशान करने वाली कौन सी बात है बेटा, तुम मेरी बेटी जैसी हो, बताओ कि हुआ क्या, तुम हल्दी के रस्म से अचानक गायब कैसे हो गई, कहाँ चली गई थी तुम? कोशिश की पहले भी मायरा कहती रही कि हॉस्पिटल में प्रीता ने उसका गला घोट के उसे मारने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात पे बिलीव नहीं किया। देख लिया नतीजा, आज फिर से वो मायरा को मारने की कोशिश कर रही थी। पता नहीं उस लड़की को चाहिए क्या, क्यों कर रही हो हम लोगों के साथ ऐसा? बहुत हो गया, बहुत कर लिया उस प्रीता अरोड़ा ने, अब और नहीं। कृतिका जी मम्मा, सिक्योरिटी हेड को बुला के लाओ अभी इसी वक्त। मैं फोन करती हूँ।